मैं हूं वो शाखान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में बिजली की बंदिश का खदशा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी की लहरें मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। वजीर तवानाई का कहना है कि ओंटारियो ग्रिड काबिल एतमाद और महफूज है। कनाडा में जंगलात में लगी आग बेकाबू, सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हुकाम ने 200 से जायद आग को काबू से बाहर करार दे दिया। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि सूबों की मदद की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कनाडा की अपोजिशन जमात का बजट की मंजूरी रोकने का ऐलान। पियर पॉलिवर का कहना है कि अगर दो मुतालबात मंजूर ना हुए तो बजट रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ट्रूडो ने पॉलिवर की धमकी को नज़रअंदाज कर दिया। रूसी रेडियो स्टेशन हैक, प्यूतन का जाली पैगाम चला दिया गया। रूसी हुकाम का कहना था कि हैक को कंट्रोल किया जा चुका है। प्यूतन का जाली पैगाम सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है। अफगानिस्तान के स्कूल में तालिबात को जहर दे दिया गया। 60 की हालत गैर। अफगान स्कूल में नामालूम अफराद दाखिल हुए थे जिन्होंने तालिबात को जहर दिया। पुलिस की जानिब से वाकये की तहकीकात जारी हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. माहरीन ने इस मौसम गर्मा में ओंटारियो में बिजली की कमी का खदशा जाहिर किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहरीन ने इस मौसम गर्मा में ओंटारियो में बिजली की कमी का खदशा जाहिर किया है। शुमाली अमेरिका के बिजली के रेगुलेटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर गर्मी की लहरें जारी रहीं तो ओंटारियो सूबा इस मौसम गर्मा में तवानाई की कमी के खतरे से दो चार हो सकता है। ये सूबा कनाडा का वाहिद खत्ता है जो मई के मौसम गर्मा के काबिल एतमाद तशखीस में दर्ज किया गया है, क्योंकि दर्जा हरारत में इजाफे की सूरत में बिजली की कमी के बुलंद खतरे में है। गैर मुनाफा बख्श नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट से पता चलता है कि ओंटारियो एक ऐसे दौर में दाखिल हो गया है जिसमें जनरेशन और ट्रांसमिशन की बंदिश को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि जौहरी प्लांट की तजयन आरइश की वजह से मनसूबा बंद बंदिश ने बिजली की फराहमी के वसाइल को कम कर दिया है। इससे यह भी पता चलता है कि बढ़ती हुई तलब की वजह से विंडसर एसेक्स का इलाका काफी रसद हासिल करने के काबिल नहीं हो सकता है। ताहम रेगुलेटर ये भी कहता है कि ओंटारियो आम और इंतहाई मौसमी हालात दोनों में अहम तादाद के लिए दरामदात और बंदिश के इंतजाम पर इन्हिसार कर सकता है। माहरीन के मुताबिक सिस्टम ऑपरेटर्स अपनी दानिशमंदाना मनसूबा बंदी कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो हर चीज़ को जगह पर रख रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुकामी ग्रिड की बंदिश नहीं है। सूबे के वजीर तवानाई टूड स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा कि सूबे का निज़ाम 90% साफ है और दुनिया भर से सरमायाकारी को रागिब कर रहा है। हमारे पास ओंटारियो में एक ऐसा ग्रिड है जो शुमाली अमेरिका के तमाम दायरा इख्तियार के लिए काबिल रश्क है। एक जो साफ है, एक जो सस्ती है, एक जो काबिल एतमाद है और एक जो महफूज है। रिपोर्ट में नोट किया गया है कि न्यूयॉर्क और सेंट लॉरेंस के दरमियान एक दूसरे से रबते में जारी ट्रांसमिशन की बंदिश सूबे की तवानाई की अहम और बरामदात करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है, लेकिन तवक्को है कि ये मसला साल के आखिर तक हल हो जाएगा। कनाडा में हुकाम ने अगस्त के महीने में मामूल से ज़ायद जंगलात में आग लगने का खदशा जाहिर किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कनाडा में हुक्काम ने अगस्त के महीने में मामूल से ज़ायद जंगलात में आग लगने का खदशा जाहिर किया है, चूँकि मुल्क भर में सैकड़ों मकामात पर जंगलात में आग भड़क रही है। वफाकी हुकूमत के अहदेदारों ने कहा है कि वो अगस्त तक कनाडा के बेशतर हिस्सों में आग की मामूल से ज़ायद सरगर्मी की पेशगोई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी मॉडलिंग से पता चलता है कि ये मौसम गर्मा में ख़ास तौर पर शदीद जंगल की आग का मौसम हो सकता है। ये बहुत से लोगों के लिए खौफनाक वक्त है, ना सिर्फ अल्बर्टा में बल्कि पूरे मुल्क में, बशमूल बहरे ओकियानूस, शुमाली इलाकों और क्यूबेक में भी। नामा निगारों के साथ शेयर किए गए हुकूमती अदादो शुमार से पता चलता है कि इतवार की सुपहर तक मुतादिद सूबों और शुमाल में फैली हुई 413 आग जल रही थी, जिससे ब्रिटिश कोलम्बिया, अल्बर्टा, शुमाल मगरबी इलाकों, सैस्कीचुआन, क्यूबेक और नोवा स्कॉटिया में तकरीबन 26,206 अफराद के लिए इनखिला के अहकाम जारी किए गए थे। हंगामी तैयारी के वजीर बिल ब्लेयर ने कहा कि इन फाल आगों में से निस से ज्यादा को काबू से बाहर समझा जाता है। हुकाम के मुताबिक इस सीजन में अब तक 2,214 आग ने कनाडा में 30,00,000 हेक्टर से जायद को अपनी लपेट में ले लिया है। जून के लिए न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के अलावा हर सूबे और इलाके में आग का खतरा औसत से ज्यादा समझा जाता है, जहाँ खतरा औसत समझा जाता है। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत ने अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया और क्यूबेक से इमदाद की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया है और कनाडा की मुसल्ह अफवाज के दस्ते भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि आग की मौजूदा पेशन गोई को देखते हुए कनाडा के पास मौसम गर्मा का अहाता करने के लिए काफी वसाइल होने चाहिए। उन्होंने कहा, अगर चीजें खराब होती हैं तो हम हंगामी मंसूबे तैयार कर रहे हैं और हम यकीनी तौर पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम वहाँ मौजूद हैं। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए वहाँ मौजूद होंगे कि इस मौसम गर्मा के दौरान तमाम कैनेडियंस की हिफाजत की जाए। कनाडा की ओपोजिशन जमात ने मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में बजट की मंजूरी रोकने का ऐलान किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की ओपोजिशन जमात कंजर्वेटिव ने वफाकी हुकूमत के बजट में 900 से ज्यादा तरामीम मुतारिफ करवाई हैं और वो वादा कर रहे हैं कि जब तक हुकूमत दो अहम मुतालबात को पूरा नहीं करती है तो वो पार्लियामेंट के जरिए बजट की मंजूरी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अदामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना था कि हम उन दो मुतालबात के लिए लड़ते रहेंगे, शरह सूद और महंगाई को कम करने के लिए बजट में तवाजन पैदा करने का मंसूबा और कार्बन टैक्स में कोई नया इजाफा नहीं किया जाएगा। अगर हुकूमत इन मुतालबात को पूरा नहीं करती है तो हम बजट को मंजूर होने से रोकने के लिए अपने इख्तियारात में तमाम तरीका कार को इस्तेमाल करेंगे, बशमूल 900 तरामीम, लंबी तकरीरें और दीगर तरीका कार के औजार जो हमारी टूल किट में हैं। पॉलिवर ने दलील दी कि खसारे के अखराजात महंगाई को बढ़ा रहे हैं और शरह सूद को बढ़ा रहे हैं और हुकूमत को ये जाहिर करने की जरूरत है कि वो एक मुतवाजन बजट की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये पहले से ही एक बहरान है, लेकिन अगर हमने अफरात जर और शरह सूद को कंट्रोल में ना किया तो अगले कई सालों में ये एक बड़े मालियाती बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पियर पॉलिवर ने वजीर आजम बनने की सूरत में वफाकी हुकूमत के कार्बन प्राइसिंग प्रोग्राम को मनसूख करने के अपने वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि वो लिबरल्स को इस हद तक जाने के लिए नहीं कहेंगे। कदामत पसंदों का कहना है कि वो हाउस ऑफ कॉमन से बजट बिल की मंजूरी को रोकने की कोशिशों के एक सिलसिले के बाद इस हिकमत अमली की तरफ बढ़ रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जब वो बजट को रोक रहे हैं तो वो चीजों को रोक रहे हैं, जैसे कि उनके टूल्स पर तिजारत करने वाले लोगों के लिए टैक्स क्रेडिट को दुगना करना, मुखालिफ फ्लिपिंग इकदाम जो हम इस आखिरी बजट में लाए हैं ताकि घर के मालिकान और घर के खरीदारों को कयास आराइयों से बचाया जा सके, और वो कनाडा वर्कर्स बेनिफिट में इजाफे को रोक रहा है। ट्रूडो ने कहा कि ये सियासी और मुतासिबाना खेलों के हकीकी जिंदगी के नतायज हैं जिनमें सरकारी हिज़्बे इख्तिलाफ का रहनुमा मुलव्वस है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे कंजर्वेटिव बिल में ताखीर कर सकते हैं लेकिन ये बिल आखिर पास हो जाएगा अगर लिबरल और न्यू डेमोक्रेट्स बिल के हक में ब्लॉक के तौर पर वोट देते रहें। रूसी अवान सदर क्रेमलिन ने कहा है कि कई रूसी रेडियो स्टेशन को हैक करके सदर व्लादिमीर पुतिन की जाली तकरीर चलाई गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन ने कहा है कि कई रूसी रेडियो स्टेशन को हैक करके सदर व्लादिमीर पुतिन की जाली तकरीर चलाई गई, जिसमें यूक्रेन के फौजी हमले और यूक्रेन से मुत्तसिल तीन इलाकों में हंगामी इकदामात का ऐलान किया गया था। आलमी मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान देमतरी पेस्कोव ने कहा कि हैकिंग का वाकया जुनूब मगरबी बेलगोरोड में दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों और शदीद गोलाबारी के दरमियान और यूक्रेन के जल्द मुतवक्के जवाबी कार्रवाई के अंदिये के बाद सामने आया है। पुतिन का जाली पैगाम जो अब भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है,
में कहा गया है कि नेटो की तरफ से और वाशिंगटन की रजामंदी और हिमायत से मुसल्ह यूक्रेन के फौजियों ने क्रिस, बेलगोरोड और ब्रांस के इलाकों पर हमला कर दिया है। पैगाम में सुनाई दे रही आवाज़ प्यूतन की आवाज़ से काफ़ी मिलती जुलती है। पैगाम में मस्कूरा बाला तीनों खित्तों में मार्शल ला, मुतहरिक होने और शहरियों के इनखिला का भी ऐलान किया गया था। दमतरी पेस्कोव का ये भी कहना था कि ये एक हैक था जिसे अब कंट्रोल किया जा चुका है। अफगान सूबे सरपोल में लड़कियों के एक स्कूल में नामालूम अफराद दाखिल हुए और क्लासों में जेरे तालीम लड़कियों को जहर दे दिया, जिसके बाद दर्जनों तालबात की हालत बिगड़ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान सूबे सरपोल में लड़कियों के एक स्कूल में नामालूम अफराद दाखिल हुए और क्लासों में जेरे तालीम लड़कियों को जहर दे दिया, जिसके बाद दर्जनों तालबात की हालत बिगड़ गई। स्कूल की साथ लड़कियों को जहर खानी के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया है। अभी ये वाजे नहीं कि तालबात को जहरीला खाना दिया गया था या क्लासरूम में जहरीली गैस छोड़ी गई थी। पुलिस तहकीकात कर रही है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। तालबात को मुसलसल उल्टियों और कह होने के बाद नींद बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी सख्त निगहदाश्त की जा रही है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद से मुल्क में ख्वातीन की मुलाजमतों और लड़कियों के सेकेंडरी तालीम बंद के दरवाजे बंद हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र की लड़कियों को तालीम की इजाज़त है। याद रहे कि हमसाया मुल्क ईरान में भी लड़कियों के स्कूलों में जहर देने के वाकयात में नवंबर से लेकर अब तक तकरीबन 13,000 तालिबात की तबीयत खराब हुई और उन्हें कम से कम एक दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।